नमस्कार, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर ऑन दिस फेसबुक लाइव सेशन। आई एम डॉक्टर सौरभ कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT भोपाल। और एक बार फिर से जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं, सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, सभी का हृदय से आभार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू डॉक्टर सोमू सिंह सर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म। रियली मोस्ट ऑफ अस वर इन हाइबरनेशन ड्यू टू दिस क्रूएल अटैक ऑफ COVID-19, बट योर दिस ग्रेट इनिशिएटिव रियली ब्रॉट बैक अस इन अवर रियल रोल, सो आई सल्यूट यू सोमू सिंह सर। और साथियों, कल एक मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप ग्रुप पर, आई रेड दैट मैसेज, और वो लिख रहे थे कि सर फेसबुक के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पर इस तरह की चर्चा हो सके, क्योंकि मैं फेसबुक यूज़र नहीं हूँ। तो साथियों, मैं भी बताना चाहता हूँ कि मैंने भी लगभग 7 या 8 दिन पहले ही ये फेसबुक अकाउंट बनाया है और मैं इस पर इनरोल्ड हुआ हूँ। तो आप जैसी परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों के अनुरूप हमें काम करना होगा। और ये बहुत अच्छा माध्यम डॉक्टर सोमू सिंह सर और डॉक्टर गौरव सिंह सर ने हमें दिया है, इसलिए दोनों लोगों का हृदय से आभार। डियर फ्रेंड्स, द टॉपिक विच वी हैव सेलेक्टेड फॉर टूडेज डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। और मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जिस पर पिछले 2 दशक में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक चर्चा हुई है। शिक्षा के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे हमारे विद्यार्थी हों, चाहे टीचर एजुकेटर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, पॉलिसी मेकर्स हों, सभी किसी न किसी रूप में इस विषय के साथ बहुत हद तक जुड़े रहे हैं। ये विषय एक बहुत अधिक चर्चा का विषय है, क्योंकि पिछले दशकों में इस पर बहुत वाद विवाद, बहुत चर्चा हुई है। आप में से भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने इस विषय को चर्चा के लिए चुना। साथियों, इस विषय पर चर्चा प्रारंभ की जाए उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा देखा जाए, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का देखते हैं तो हम देखेंगे कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ये एग्जामिनेशन रिफॉर्म के अंतर्गत एक बहुत अनूठी पहल है। लेकिन इसका इतिहास अगर हम देखें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस बात करें तो बहुत सारी कमेटीज और कमीशंस बने जिन्होंने एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात की, लेकिन मैं आज़ादी के पहले की बात में नहीं जाऊंगा, मैं आज़ादी के बाद की बात करूं तो आज़ादी के बाद जो सबसे पहला कमीशन बना, राधा कृष्णन कमीशन 1948, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उसने भी अब साफ शब्दों में कहा कि एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ द वर्स्ट फीचर ऑफ अवर इंडियन एजुकेशन। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर मुझसे कहा जाए कि भारतीय शिक्षा का एक कोई ऐसा पहलू बताइए जहाँ सबसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, तो वो पहलू है एग्जामिनेशन रिफॉर्म। हालांकि उनका ये कथन उच्च शिक्षा के संबंध में था, लेकिन ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं हमें परीक्षा सुधारों की नितांत आवश्यकता है। उसके बाद अगर हम जाएं कोठारी कमीशन, जिसको हम शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो कोठारी कमीशन ने प्रीडोमिनेंस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन उसकी बात की, और उन्होंने स्कूल बेस्ड इवेल्युएशन पर फोकस करने की चर्चा की। 1986 की पॉलिसी और उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन दोनों ने पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट पर फोकस किया। NCF 2000 की बात करें तो NCF 2000 पूरी तरह से मार्क्स की बजाय ग्रेड को प्रमोट करने पर फोकस करता है, और NCF 2005 अगर उस डॉक्यूमेंट को देखा जाए
तो एनसीएफ 2005 जो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम है इसको फ्लेक्सिबल बनाने की बात करता है और क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ इंटीग्रेट करने की बात करता है। और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, वो हमें मिलता है देखने को जब हम आते हैं आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 सीसीई को एलिमेंट्री स्टेज पर मैंडेटरी करने की बात करता है और कहता है कि एलिमेंट्री स्टेज पर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को मैंडेटरी किया जाए, इसे अनिवार्य किया जाए। और वहाँ से ये पूरे देश में कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की एक बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा होती है। साथियों, यहाँ तक मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपके साथ चर्चा की, लेकिन सीसीई को अगर हमें समझना है तो सीसीई को समझने के लिए हमें इसकी व्यापकता को देखना होगा। और एक सबसे बड़ी विडंबना सीसीई के साथ ये है कि हम सीसीई को केवल इवैल्यूएशन स्कीम के रूप में हम देखने का प्रयास करते हैं या देखते हैं, बट सीसीई इज़ नॉट ओनली द स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन। ये केवल स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन नहीं है, बल्कि जब हम सीसीई को हमें देखना होगा, सीसीई को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें पूरे के पूरी टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट, इन सारी प्रक्रियाओं को एक साथ समग्र रूप से हमें देखना होगा। और इसके लिए हमें व्यापक रूप से शिक्षा में बहुत सारे बदलाव या बहुत सारे सुधारों की चर्चा करनी होगी। साथियों, अब ये सुधार क्या हैं और कौन कौन से सुधार वांछनीय हैं जिनको लाकर हम सीसीई को इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर हम उन सुधारों की अगर एक सूची बनाएं, तो उस सूची को बनाने की बजाय मुझे लगता है कि एनसीएफ 2005 के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत अगर उनकी चर्चा करें तो वो पूरी की पूरी तरह एक उस तरह की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं जिस व्यवस्था में हम सीसीई को इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, मैं एक एक करके उनकी चर्चा करता हूँ और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सीसीई, उसके ऊपर मैं बात को प्रारंभ करूँगा। गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, पहला जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो है कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना। साथियों, एक बहुत बड़ा विषय है और मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा जगत में भी इस पर बहुत चर्चा हुई है। पिछले कई व्याख्यानों को मैं सुनता चला आ रहा हूँ, सभी व्याख्यानों में इस पर बात हुई कि कैसे हम ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हमारी कक्षाएं हैं और कक्षाओं में जो चल रहा है और जो बाहर का जीवन है, उन दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा। हालांकि बहुत प्रयास हुए हैं साथियों, हर स्कूल में बाउंड्री वॉल का होना ज़रूरी है, लेकिन बाउंड्री वॉल ऐसी ना हो कि हमारी क्लासरूम की जो लाइफ है और जो सोसाइटी की लाइफ है दोनों को आइसोलेट कर दे। इन दोनों में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जब हमारी कक्षाओं में आते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये कोई अलग सी दुनिया है, ये कोई अलग सा जीवन है जो हमारी बाहर की जीवन से बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, इनमें कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ी पहल है जो हमारी शिक्षा को, हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमें लाना होगा। अगर हम अगले पहलू की बात करते हैं, अगले मार्गदर्शक सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, तो अगला मार्गदर्शक सिद्धांत हमारा कहता है कि इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मेथड्स, यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है। मैं माननीय गोपाल कृष्ण ठाकुर जी को सुन रहा था इसी प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने भी कहा कि एक नितांत आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, क्योंकि जब तक ये सुधार हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आएगा तब तक हम बाकी सुधारों की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वही कहानी जो सर ने सुनाई थी कि हम कहते तो हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है, लेकिन अंततोगत्वा वही हो रहा है। तो साथियों, ये एक और ऐसा बिंदु है जिसके विषय में हमें सोचना है, हमें विचार करना है, और कैसे हम हमारी जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था है
जो हमारी जिसको हम कह रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये रोट मेमोराइजेशन से कैसे दूर हटे, इसके बारे में हमें प्रयास करना है। अगला बिंदु है इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मेथड्स। इसके बाद इनरिचिंग द करिकुलम फॉर प्रोवाइडिंग ऑलराउंड डेवलपमेंट टू द चिल्ड्रन रादर देन रिमेन टेक्स्ट बुक सेंटर, कि यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यचर्या का इस प्रकार संवर्धन हो कि अब बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए बजाय कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। साथियों, हो क्या रहा है कि हमारी पूरी की पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस केवल टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होकर रह गई है। हम बात तो करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, अफेक्टिव डेवलपमेंट की, साइकोमोटर डेवलपमेंट की, लेकिन कि जो पूरी की पूरी जो हमारी प्रक्रिया है, पूरी की पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो कहीं ना कहीं हमारी टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होकर रह गई है। और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होने की वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बदलाव, बहुत सारे ऐसे आयाम जिनको हम छूना चाहते हैं वो हम नहीं छू पाते, और इसी कारण हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी जो फ्लॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें दिखाई देते हैं। साथियों, वही एक पंचतत्व की कहानी मुझे याद आती है कि एक विद्यार्थी बहुत अच्छी शिक्षा लेके गुरुकुल से निकला और वो जब नाव में सफ़र कर रहा था, और नाव में सफ़र करते समय उसने नाविक से पूछा, क्या आपने इतिहास पढ़ा है? उसने कहा, नहीं साहब, मैंने इतिहास तो नहीं पढ़ा। उसने कहा, क्या आपने भूगोल पढ़ा है? तो बोले, नहीं साहब, हमने भूगोल तो नहीं पढ़ा। तो बोले, आपका आधा जीवन बर्बाद हो गया। आगे बढ़ा, पूछा, क्या आपने गणित पढ़ा है? तो बोला, नहीं साहब, हमने गणित तो नहीं पढ़ा। तो बोले, अब आपका 75% जीवन बर्बाद हो गया। थोड़ी देर बाद तूफान आया, नाविक ने पूछा, क्या साहब आपको तैरना आता है? तो वो जो विद्वान थे वो बोले, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। तो नाविक बोला कि आपका 100% जीवन बर्बाद हो गया, और थोड़ी देर बाद वो जल में डूब जाते। यही हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारे विद्यार्थियों के साथ हो रहा है कि हम पाठ्य पुस्तक से बाहर निकल नहीं पा रहे। किस तरह से हम पाठ्यचर्या का संवर्धन करें कि अब बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए, यह एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। अगला जो बिंदु है उसको मैं बाद में लूँगा, और उससे पहले जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि नर्चरिंग एन ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। साथियों, ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि वो कहानी अभी जो कुछ दिनों पहले हमने इसी प्लेटफॉर्म पर सुनी थी कि बेटा पढ़ लिख के माता ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया उस बच्चे को पढ़ाने में, और वो बच्चा पढ़ लिख कर अमेरिका चला गया। बहुत दिनों से माँ से बात नहीं हुई। एक महीने के बाद जो उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने जब स्मेल को देखा और उस फ्लैट को दरवाज़ा तोड़ कर खोला तो माँ का कंकाल मिलता है, और बच्चे को जब फ़ोन किया जाता है तो बच्चा कहता है, हाँ, मेरी माँ रहती है, 1 साल से मेरी बात नहीं हुई। साथियों, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह की पहचान विकसित कर रही है? साथियों, सोचना होगा, क्योंकि जब तक हमारे विद्यार्थियों में, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि माता और मातृभूमि का सम्मान हमारे विद्यार्थियों में हो, हमारे विद्यार्थी अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास रखें, उन परंपराओं पर, उन मान्यताओं पर भरोसा रखें, उन पर चलें, हमारे देश की क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं पर उनका अपना चिंतन हो, देश के लिए कुछ करने की उनके अंदर एक जज्बा हो, इस तरह के विद्यार्थी हमारी शिक्षा व्यवस्था को तैयार करने चाहिए, तो ये बदलाव भी हमें लाने होंगे। और इसके साथ जो फिफ्थ गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसके साथ मैं आज के विषय को जोड़ूंगा कि मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड टू द क्लासरूम लाइफ, कि परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाए और कक्षा गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, क्योंकि हम कहते तो हैं कि हमारी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता साथियों वो चाइल्ड सेंटर्ड है। मैं उसे टीचर सेंटर्ड भी नहीं मानता। अगर हम गहराई से विचार करें तो हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था एग्जामिनेशन सेंटर्ड होके रह गई। विद्यार्थी पहले दिन से उसी तरह पढ़ना चाहता है जिससे कि एग्ज़ाम में कैसे भी अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाया जाए, और टीचर भी
उसी पर फोकस करते हैं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, पूरी की पूरी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो एग्जामिनेशन सेंट्रिक होकर रह गई है, और जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे सुधार की अपेक्षाएं बहुत कम हैं। मैं अक्सर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक एक्सरसाइज करने को देता हूं सारे टीचर्स को। मैं कहता हूं कि आप शिक्षा व्यवस्था की एक एक डीमेरिट लिखिए हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, और जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं और जब प्रत्येक हमारा टीचर जो भी प्रॉब्लम लिख के आता है उसकी रूट में अगर हम जाते हैं तो रूट में कहीं ना कहीं हमें एग्जामिनेशन मिलता है। अगर हम बच्चों में स्ट्रेस की बात करें, उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी की बात करें, उनकी पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और बाकी जो बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं उनके रूट्स में कहीं ना कहीं हमारा ये एग्जामिनेशन सिस्टम है। तो साथियों, इसीलिए एग्जामिनेशन सिस्टम में हमें सुधार की और बदलाव की जरूरत है। एक और प्रश्न सामने आ रहा है कि आखिर इतने लंबे समय से हम एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, फिर ये रिफॉर्म क्यों नहीं आ रहा, ये रिफॉर्म क्यों नहीं हो पाया अभी तक। तो इसके लिए साथियों, जो मेरा विचार है और मुझे लगता है आप में से भी कई लोग उससे सहमत होंगे, कुछ लोग मुझसे डिफर कर सकते हैं, लेकिन उसके रूट में कहीं ना कहीं वो कॉज है। क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है इसके रूट्स कहाँ हैं, इसके रूट्स देखे जाएं तो यहाँ पूर्व में भी जो वक्ताओं ने बात की, इसके रूट्स हमें मिलते हैं मैकाले की शिक्षा नीति, और मैकाले की जो शिक्षा नीति है और उस समय जो एजुकेशन देने का काम हमारे भारतीयों को क्यों एजुकेशन दी जाती थी, टू प्रोड्यूस क्लर्क्स फॉर द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के लिए क्लर्क प्रोड्यूस करने थे और उसीलिए हम लोगों को शिक्षित किया जाता था। और क्लर्क को क्या आना चाहिए आप सब लोग जानते हैं, एक अच्छा क्लर्क कौन होता है कि जिसके पास एक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो बुक है, जिसने उस बुक में सारे पेजों को अच्छी तरीके से रट लिया है, वो उतना अच्छा क्लर्क पूछने पर एग्जाम में जो उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिख दे वो उतना अच्छा क्लर्क। और यही शिक्षा पद्धति आज तक हम फॉलो करते चले आ रहे हैं, और उसी तरह हम एग्जाम लिखते हैं कि बच्चा रट लेता है, रट के एग्जाम में लिख देता है, पास हो जाता है, अगले दिन आपसे पूछिए कि आपने क्या पढ़ा, तो ना उसको पता है और क्यों पढ़ा इसका भी उसे कुछ नहीं पता। साथियों, रूट्स बहुत गहरे हैं, और मुझे एक कहानी याद आती है कि हम इतने समय बाद भी वही हमारे साथ हो रहा है कि एक राजा के पीछे उसके दुश्मन लगे हुए थे। राजा भागते हुए एक जल्दी से छुपकर एक नाव में बैठ गया और नाव को बहुत तेज़ी से चलाने लगा। दुश्मनों ने देखा कि राजा चला गया है, दुश्मन तो वापस चले गए, लेकिन राजा रात भर उस नाव को चलाता रहा और सुबह हुई तो उसने जब देखा, उसकी जब आँख एकदम खुली रोशनी में, तो उसने अपने आप को वहीं पाया जहाँ से वो चला था। कारण क्या था कि वो उस रस्सी को काटना भूल गया जिससे नाव किनारे से बनी थी। साथियों, यही हमारे साथ हुआ है। हमने बहुत सारे चेंजेस लाने का प्रयास किया, हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए। संदीप कुमार जी कह रहे हैं ये बात सभी बोलते हैं पर ये ठीक कौन करेगा, हम सभी करेंगे संदीप जी, हम सभी इस बारे में, आप देखिएगा कि हम सब के प्रयास से ये सब होगा, धीरे धीरे एक बहुत बड़ा चेंज आप सबके माध्यम से, हम सब के माध्यम से जा रहा है, और निश्चित ही हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, इसी तरह हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, और इसी एग्जामिनेशन रिफॉर्म में एक बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज लाने का काम कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कर सकता है, और अगर सही में इसे सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो परिणाम अच्छे आ सकते हैं। मैं बाद में जाऊंगा इसके इम्प्लीमेंटेशन पर, पहले हम बात करें कि वास्तव में कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या है। इसमें तीन बेसिक टर्म हैं, कंटिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव, इवेल्युएशन। पहले मैं इन तीनों टर्म्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी चाहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा हो, तो इसीलिए मैं ये तीनों टर्म, कंटिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव, इवेल्युएशन। सबसे पहले इवेल्युएशन की चर्चा की जाए कि व्हाट इज इवेल्युएशन। ये कोई नया टर्म नहीं है इवेल्युएशन, हम सभी लोग बीएड में जब पढ़ते हैं तो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और उसी में एक डेफिनेशन आती है।
और उसी डेफिनेशन को मैं आपके सामने रखता हूँ और उस डेफिनेशन से हम सभी मूल्यांकन को समझते हैं। एक डेफिनेशन है कि व्हाट इज इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1963 द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज कंसीडर्ड एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज बीइंग अटेन्ड। Effectiveness of the learning experiences provided in the classroom and how well the goal of education have been accomplished। तो ये तीन पॉइंट के थ्रू इवेल्युएशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की जाती है। अगर हम उसी में देखें तो एक ट्रायंगल वहाँ बना होता है, उस ट्रायंगल में ऊपर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तरफ एक एंड पर लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं और एक तरफ इवेल्युएशन है, और उसके थ्रू हम इवेल्युएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इवेल्युएशन क्या है। इवेल्युएशन, क्योंकि एजुकेशन इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी, वी हैव अर्लियर आइडेंटिफाइड एंड डिसाइडेड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वेदर दीज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अटेन्ड, कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए क्या इनकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन। दूसरा, अकॉर्डिंग टू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वी प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंसिस टू द लर्नर, व्हाट आर द इफेक्टिवनेस ऑफ दोज लर्निंग एक्सपीरियंसिस, कि हमने उद्देश्यों के अनुसार जो अधिगम अनुभव प्रदान किए उनकी प्रभावशीलता क्या रही, क्या वो प्रभावी रहे, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन। तो इस तरह से हम मूल्यांकन को हम समझ सकते हैं, ये मूल्यांकन की पूरी प्रोसेस है। मूल्यांकन के साथ, इवेल्युएशन के साथ कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में कई विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि इनमें क्या अंतर है। ये टर्म्स हैं टेस्ट, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन। अक्सर हम ये सारे टर्म्स, यस, हाँ संदीप कुमार जी भी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। मैं आपके ही पॉइंट पर आ रहा हूँ संदीप जी, ये बहुत सारी टर्म्स, असेसमेंट इवेल्युएशन नहीं, अक्सर हम टेस्ट, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवेल्युएशन, ये सारे टर्म्स हम अक्सर इनको यूज करते हैं अपने क्लासरूम में, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, पहले दो टर्म हम लेते हैं, टेस्ट और एग्जामिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, टेस्ट और एग्जामिनेशन में क्या अंतर है, अगर हम इसके अंतर को समझने का प्रयास करते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल से इन दोनों में अंतर करने की कोशिश करता हूँ, इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ। कि सपोज अगर हम बीमार पड़ते हैं एंड वी गो टू द डॉक्टर, विल डॉक्टर एग्जामिन अस और टेस्ट अस, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें एग्जामिन करता है या टेस्ट करता है? बिल्कुल, डॉक्टर हमें बहुत सारे अलग अलग टेस्ट जो हो सकता है उसने पैथोलॉजी के लिए प्रिस्क्राइब किए हों वहाँ से होके आते हैं, और कुछ टेस्ट डॉक्टर अपने यहाँ हॉस्पिटल में करता है और उसके बेसिस पर हमें एग्जामिन करता है। यहाँ से हम इस अंतर को समझ सकते हैं कि व्हाट, कि टेस्ट क्या है, टेस्ट आर द टूल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन एक प्रोसेस है और टेस्ट उसके लिए टूल्स हैं। जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मुझे आपके साथ बात करने के लिए मेरे पास एक मोबाइल है, इसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन है, तो ये सब क्या है, दीज आर द टूल्स जिनके द्वारा मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। इसी तरह एग्जामिनेशन एक प्रोसेस है और उसको करने के लिए हम जिन टूल्स को यूज़ करते हैं वो हमारे टूल्स टेस्ट हैं। हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट है, पर्सनैलिटी का एग्जामिन करने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट है, एटीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है। सो दीज आर द वेरियस टूल्स, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, कि टेस्ट क्या है, टेस्ट टूल्स हैं, और एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन एक प्रोसेस है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, लेकिन उसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाते हुए चलता हूं कि मेजरमेंट क्या है। अगर
आपकी जो बहुत सारी टेस्टिंग होने के लिए जो पैथोलॉजी गई थी, सपोज उसमें हीमोग्लोबिन था, आपका यूरिन की टेस्टिंग थी, आपका ESR था, तो बहुत सारे पैरामीटर्स थे जिनकी टेस्टिंग हुई। उसी रिपोर्ट में आप आगे देखेंगे कि एक आगे एक और कॉलम है, और वो कॉलम क्या है, वो कॉलम मेजरमेंट है। कि सपोज आपका एक पैरामीटर था हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन के आगे, बिल्कुल संजय शुक्ला जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वी जनरली कंफ्यूज देम ऑफ बीइंग आइडेंटिकल, बिल्कुल। अभी मैं आगे अभी आपके साथ बात करूंगा और टाइप्स ऑफ असेसमेंट की भी मैं बात करूंगा, अभी विस्तार से इस बारे में बात होगी। तो जो उसी रिपोर्ट को अगर हम आगे देखते हैं तो उसमें जो आगे कॉलम है कि हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन का आगे उसमें एक कुछ डिजिट रहती है, नंबर्स रहते हैं, और उसके साथ कुछ यूनिट है, सपोज 14 ग्राम पर डेसीलीटर, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो मेजरमेंट क्या है कि बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि जब हम कोई भी हमारे पास जब किसी भी पैरामीटर को जब हम संख्या के रूप में जब हम उसे व्यक्त करते हैं तो वो हमारा मापन होता है। इसी तरह बच्चों की जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी है, उनकी साइंटिफिक एबिलिटी है, जब हम इसको मार्क्स में, नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, देन इट इज मेजरमेंट। अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज असेसमेंट, असेसमेंट क्या है। अभी तक मुझे लगता है कि टेस्ट, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट हुए होंगे कि व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट को समझने के लिए हम फिर से एक बार उसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि वही आपकी रिपोर्ट है, आपने देखा होगा कि एक पैरामीटर था हीमोग्लोबिन, उसी हीमोग्लोबिन के आपने आगे देखा कि उसका मेजरमेंट था, और उसी मेजरमेंट से आगे एक कॉलम और होता है, वो कॉलम क्या है, बिल्कुल, कि कुछ रेफरेंस वैल्यूज हैं, उनके रेफरेंस में हम अपने मेजरमेंट को एवरेज, बिलो एवरेज या हाई बताते हैं। दिस इज असेसमेंट, कि असाइनिंग मीनिंग टू द मेजरमेंट इज कॉल्ड असेसमेंट। कि हमारा जो मेजरमेंट था उसको हमने एक अर्थ प्रदान किया किसी रेफरेंस के को ध्यान में रखते हुए, सो दिस इज मेजरमेंट। और अगर आगे और जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो आपकी रिपोर्ट है उसमें अलग अलग पैरामीटर्स हैं, आपका हीमोग्लोबिन है, आपका उसमें यूरिन के टेस्ट हैं, ESR है, एक्सरे है, और उन सब के बेसिस पर व्हेन डॉक्टर रीचेस टू द फाइनल कंक्लूजन, और वो ये कहता है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है या आप बिल्कुल फिट हैं, दिस इज इवेल्युएशन। सो व्हेन वी रीच ऑन द फाइनल कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल असेसमेंट विद वैल्यू जजमेंट, इट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। कि जब हम बहुत सारे हमारे पास असेसमेंट के बेसिस पर जब हम जजमेंट की प्रोसेस में पहुंचते हैं, हम वैल्यू जजमेंट करते हैं, ये क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है, सो दिस इज इवेल्युएशन। सो इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन, ये वैल्यू जजमेंट की प्रोसेस है, और बहुत सारे असेसमेंट के बेसिस पर हम इवेल्युएशन तक पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का, देवेंद्र कुमार जी कह रहे हैं वी शुड ऑल्सो असिस्ट टीचर्स, बिल्कुल देवेंद्र कुमार जी, और NCERT ने इसके लिए पिंडिक्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए हैं, वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उस पर टीचर अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर चाहे तो अथॉरिटी भी, अगर जिस तरह से क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जिस तरह से टीचर्स का असेसमेंट चाहें वो टीचर्स का असेसमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। अभी मैं आऊँगा उस पर और आगे अभी चर्चा करते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक हम लोगों ने जो बात की है वो बात है इवेल्युएशन की। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंटिन्यूस एंड व्हाट इज व्हाई कंटिन्यूटी इज़ नीडेड इन इवेल्युएशन। तो कंटिन्यूस की बात की जाए तो ये जितना शब्द जितना सरल लगता है और जितना कहने में आम हमारे सभी साथियों के बीच में प्रचलित है, उतना ये सरल, उस तरह से सरलता के साथ ये शब्द आम टीचर्स के बीच में गया नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब जो ज़्यादातर जो स्टेट्स ने, टीचर्स ने इसको समझा कंटिन्यूटी से, कि जिसमें लगातार रेगुलरिटी, और इसके नाम पर, कंटिन्यूटी के नाम पर
frequent testing start hui. Lekin this is not the real meaning of continuity or continuous evaluation. Pehle to hum baat karein ki continuity ki zarurat kyon hai, to mujhe lagta hai ki wo baat sabhi ko spasht hogi ki continuity ki zarurat kyon hai. क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से दे सकता हूँ. या सपोज़ हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट हों, केमिस्ट्री में हों. केमिस्ट्री में हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, तो मिनिमम कितनी रीडिंग्स लेते हैं हम लोग? कम से कम 3 रीडिंग लेते हैं. क्यों कम से कम 3 रीडिंग लेते हैं? क्यों एक रीडिंग लेके हम क्यों नहीं कहते कि ये हमारे रिजल्ट सही हैं? क्योंकि इससे हमारी रिलायबिलिटी बढ़ती है. और हम जब एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि एक बार साल के अंत में कुछ 5 क्वेश्चंस पूछकर बच्चे के भविष्य का निर्धारण कर दिया जाए, ये कितना सही है. इसीलिए हमें ज़रूरत है कंटिन्यूटी की. लेकिन ये कंटिन्यूटी कैसे हो? इसका मतलब रेगुलर टेस्टिंग बिल्कुल नहीं है कि लगातार हर रोज टेस्टिंग हो. कंटिन्यूटी कैसे हो इसके बारे में हम अगर इसको समझना चाहते हैं, तो इसको समझने के लिए फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूं. और वो एग्जांपल मेडिकल साइंस से है. हालांकि मेडिकल साइंस और एजुकेशन में एक बहुत बड़ा अंतर है. वहां रेमेडी के लिए वहां उपचार की ज़रूरत है, हमारे यहाँ बच्चे को रेमेडी की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि सपोज़ अगर आज आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? आपकी टेस्टिंग करता है और उस टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आपको वो प्रिस्क्रिप्शन देता है. और प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर डॉक्टर आपसे कहता है, या तो आपकी इलनेस को वो देखता है कि आप 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, कितने दिन बाद आपको डॉक्टर के पास फिर से आना है, वो आपको बताता है कि इतने दिन बाद आप फिर आइएगा. जब आप 3 या 5 दिन के बाद फिर से पहुँचते हैं, डॉक्टर फिर से आपके साथ अगर ज़रूरत है टेस्टिंग की तो टेस्टिंग करेगा, नहीं तो सिम्टम्स देख के ही वो आपके साथ वो बताएगा कि आपको इस मेडिसिन की अब ज़रूरत नहीं है, ये मेडिसिन हटा दीजिए. अगर उसको लगता है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो वो एक और मेडिसिन उसमें ऐड कर देगा और फिर कहेगा कि फिर आप अगले 4 या 5 दिन के बाद आप विज़िट करिए. और ये डॉक्टर कब तक करता है? जब तक आपके अंदर सुधार नहीं होता. साथियों, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी शिक्षा जगत में रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को उपचार नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें इस कंटिन्यूटी को समझना होगा कि एक टीचर एक बच्चे के साथ लगातार काम करे, उसे जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, बच्चे में जो लर्निंग आउटकम्स, जो कॉम्पिटेंसीज आनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंसी ज़रूरत वो डेवलप हो रही हैं या नहीं हो रही. अगर उसको लगता है कि टेस्टिंग से वो पता लगा रहा है, टेस्ट कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है, जिस तरह से भी हो वो बच्चों के साथ लगातार उनके साथ काम करे, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करे, और तब तक काम करे जब तक वो लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स अचीव नहीं हो जाते. दिस इज कंटिन्यूस पार्ट ऑफ कंटिन्यूस इवेल्युएशन. इस तरह से कंटिन्यूस इवेल्युएशन होना चाहिए. नाउ वी कम टू द कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट. कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इसको भी बहुत मिसकंस्ट्रक्ट किया गया और कॉम्प्रिहेंसिव का भी अलग अलग तरह से लोगों ने इसको यूज़ किया फील्ड में. तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस की सबसे पहले अगर हम बात करें कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस की ज़रूरत क्यों है, तो एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ डेली लाइफ से, और वो अपने आप में स्पष्ट करेगा कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस बहुत ज़रूरी है. कि सपोज़ आपको किसी प्रोग्राम में बाहर जाने के लिए, किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए आपको अपने लिए एक टी शर्ट खरीदनी है, और आप उस टी शर्ट को खरीदने के लिए आप शोरूम पर पहुँचते हैं. आप टी शर्ट खरीदने से पहले आप क्या क्या देखेंगे, कौन कौन से डायमेंशन आप देखेंगे? बिल्कुल, आप उसकी कॉस्ट देखेंगे, आप उसका मटेरियल देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, वो आप पर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखेंगे, उसकी फिटिंग देखेंगे, किस अकेज़न के लिए आप उसे पहन रहे हैं इस पर आप विचार करेंगे. तो एक
जो शर्ट टी शर्ट जो आपको कुछ दिनों तक पहननी है उसको खरीदने से पहले आप लगभग 8 या 9 डायमेंशंस के ऊपर विचार कर रहे हैं। और साथियों, बच्चों के भविष्य का निर्धारण, उनके भविष्य की, उनकी प्रगति की घोषणा आप केवल 5 क्वेश्चंस कैसे तैयार करते हैं वो हम सभी जानते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर। और बच्चों की भी बात करें तो एक पूरा सेट पैटर्न, अगर हम बच्चों का एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछकर हम बच्चों के भविष्य का निर्धारण कर रहे होते हैं। तो साथियों, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस की ज़रूरत है हमारे इवेल्युएशन। लेकिन इस कॉम्प्रिहेंसिवनेस को भी बहुत अलग अर्थों में लिया गया, जिसको भी मैं एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा। एक कहानी है और जस्ट मैं इसको इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि जिससे कि स्पष्टता आ जाए, ये किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है। और मैं आगे भी संवाद में जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं केवल ये भाषण केवल इसलिए नहीं है कि मुझे बोलना है, बल्कि मैं CC के साथ पिछले 5 या 6 वर्षों में लगातार किसी न किसी रूप में मैं CC के साथ काम करता रहा हूं। और जब भी मुझे मौका मिला है मैंने इस संवाद को शिक्षकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ हमेशा रखा है। तो साथियों, ये बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जब मैं इंगित करता हूं किसी प्रॉब्लम की तरफ या किसी चैलेंज की तरफ, तो वो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, और हम सभी को मिलकर उस पर काम करना होगा। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्यों आवश्यक है ये बात तो हमने समझी, लेकिन इसके साथ साथ इसको कैसे लिया गया, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक जंगल में एक स्कूल चलता था। उस स्कूल में बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं उनके बच्चे पढ़ते थे। उनका टीचर था एक भालू, वो बहुत अच्छा था, बहुत विद्वान था। लेकिन एक पॉलिसी आई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, और उसके स्कूल में भी जब वो लागू हुई तो उसने समझा कि अब इवेल्युएशन कॉम्प्रिहेंसिव होगा। अर्थात कि अब जो जल में चलने वाले जलचर हैं उन्हें थल पर चलना पड़ेगा, जो थल में चलने वाले हैं उन्हें जल में चलना सीखना पड़ेगा, जो हवा में उड़ते हैं उन्हें जल में अंदर तैरना सीखना पड़ेगा। और साथियों, जिस दिन इवेल्युएशन हुआ उस दिन सारे जानवरों के बच्चे ख़त्म हो गए। यही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जब CC को, कॉम्प्रिहेंसिवनेस को इस तरह से समझा गया तो CC के साथ हुआ। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब हर बच्चे के लिए पहले से निर्धारित पैरामीटर्स के आधार पर उसका इवेल्युएशन करना नहीं है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसकी अपनी लर्निंग स्टाइल है, उसका अपना पेस है, और उस तरह से वो सीखेगा और उसी तरह से उसका इवेल्युएशन किया जाना चाहिए। एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए। आज जो बच्चे ने किया उससे वो कल कैसे बेहतर कर रहा है, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए और इस तरह से इवेल्युएशन होना चाहिए। तो साथियों, अभी तक जो हमने बात की है कंटिन्यूस, कॉम्प्रिहेंसिव, इवेल्युएशन, ये तीनों टर्म की हमने बात की है। और मुझे लगता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट CC ये आप सबके साथ, आपको जितने भी हमारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उन सब में ये समझ CCE की जो रियल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फिलॉसफी, बेसिक इथॉस, इसेंस ऑफ CC वो सही वे में कम्युनिकेट होना चाहिए, मुझे लगता है वो कम्युनिकेट हुआ होगा। अब इसी के साथ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो टाइम बहुत जल्दी निकल गया, अभी मैंने 1/3 भी बात नहीं रख पाई है, मैं थोड़ा स्पीड और बढ़ाऊंगा। लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत पहलू इसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। वो कॉन्सेप्ट हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। व्हाट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग? असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है, कि व्हाट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि असेसमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लर्निंग, कि जब लर्निंग हो रही हो, जब बच्चा क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर जब सीखने की प्रोसेस में हो, जब वो सीख रहा हो उसी समय असेसमेंट, क्योंकि इसका नाम ही है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए असेसमेंट।
कि असेसमेंट किस लिए, कि बच्चा कैसे सीख रहा है, सीखने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कैसे फैसिलिटेट किया जाए लर्निंग को, उसके लिए जब हम असेसमेंट कर रहे हैं, इट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लर्निंग। अगला असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। हालांकि अब ये जो नई, ये दोनों टर्म फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, एनसीईआरटी ने 2019 में न्यू गाइडलाइंस डेवलप की हैं एलिमेंट्री लेवल के सीसी इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को भी सही से नहीं समझा गया। आगे मैं इसकी चर्चा करूँगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि व्हाट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जब एक कोई टास्क कंप्लीट हो गया हो, एक यूनिट, एक थीम, एक चैप्टर, उसके बाद अगर टीचर देखना चाहता है कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, दिस इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी कि असेसमेंट किस लिए, कि लर्निंग के ओ जानने के लिए, कि लर्निंग कितनी हुई, कैसी हुई, जब इसको जानने के लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं, इट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, वो मैं आप सब लोगों के सामने रखता हूँ, कि एक आपके घर पर कुछ गेस्ट आए हैं और आप उनके लिए कुछ रेसिपी तैयार कर रहे हैं, और एक ऐसी रेसिपी जो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, हर जगह जो रेसिपी बनाई जाती है वो है चावल, कि आप अपने गेस्ट के लिए चावल पका रहे हैं, और चावल को पकने के लिए आपने गेस्ट के ऊपर रखे, चावल पक रहे हैं, और इसी बीच में आप आए और आपने एक उसमें से राइस लिया और उसको आपने टेस्ट किया। विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज इट, किस तरह का असेसमेंट है ये? बिल्कुल, इट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्यों आप उस समय चावल को टेस्ट कर रहे हैं, इस टेस्टिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि चावल पके या नहीं पके, अभी कितनी देर लगेगी पकने में। अगर सपोज आपको लगता है कि इसमें पानी कम हो गया है, यू कैन ऐड वाटर, यू कैन ऐड सॉल्ट, आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं, अभी चावल पकने की प्रक्रिया में है। सो दिस इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि असेसमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लर्निंग। बिल्कुल, कि इस समय चावल पकने की प्रक्रिया में है और उस समय आपने जो ये टेस्टिंग की है, ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। कुछ समय बाद चावल आपने देखा कि चावल आपने वापस आपने नीचे ले लिए और आपने सर्व कर दिए आपके सभी गेस्ट को, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और अब आप चावल को टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो आपका इवेलुएशन है, जो असेसमेंट है, दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि चावल पक चुके हैं, अब आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो फाइनल डिसीजन है उस चावल के बारे में। अब आपके पास मौका नहीं है, अच्छे हैं तो आपको उसी रूप में स्वीकार करने पड़ेंगे, अगर सही नहीं पके हैं तो भी आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। दिस इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो अभी तक हम लोगों ने बात की असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और अब हम बात करने वाले हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, असेसमेंट एज लर्निंग। और आज के समय में सबसे ज़्यादा फोकस है, और यही वो असेसमेंट है जो रियली मैं, जो जितने भी मैंने स्टार्टिंग में मैंने जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे थे, जो मैंने चैलेंजेस कह सकते हैं, या जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, अगर उन सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए और हम जिस तरह के स्टूडेंट्स तैयार करना चाहते हैं, अगर उस तरह के अगर हमें स्टूडेंट्स को तैयार करना है, तो असेसमेंट एज लर्निंग पर हमारा फोकस रहना चाहिए, असेसमेंट एज लर्निंग पर हमें फोकस करना होगा। सो व्हाट इज असेसमेंट एज लर्निंग? बिल्कुल जैसा इसका नाम है कि असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के लिए आकलन, कि व्हेन लर्निंग एंड असेसमेंट दीज टू बिकम सिनोनियम्स टू ईच अदर, ये एक दोनों के पर्यायवाची बन जाएं, कि आकलन किस लिए हो, सीखने के लिए, कि बच्चा खुद जब सीखने की प्रक्रिया में है तो वो सोचे कि वो क्या सीख रहा है, क्यों सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, इस जो टॉपिक को सीखने से क्या होगा, उसका साथी
वो उस टॉपिक पर कैसे सोच रहा है, उसकी सोच उस बारे में क्या है, उसका सोचना और मेरा सोचना कैसे अलग है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन। हर इंडिविजुअल जब इस मेटाकॉग हर जो इंडिविजुअल जो लर्नर है अपने आप में चिंतन करे इन सारे प्रश्नों के ऊपर, ही और सी बिकम्स मेटाकॉग्निटिव, कि वो इस मेटाकॉग्निशन की प्रक्रिया से गुजरे। ये हमारा है असेसमेंट एज लर्निंग। और इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे इसमें स्पष्टता आएगी। पहले मैंने सोचा था कि उसी राइस के एग्जाम्पल से इसको कोरिलेट करूँ, लेकिन वहाँ विद्यार्थी के रूप में राइस थे तो राइस तो अपने आप अपना असेसमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं उस एग्जाम्पल को आगे नहीं बढ़ा पाया। तो मैंने एक नया एग्जाम्पल आपके सामने एक रख रहा हूँ जिससे कि एनालॉगी होगी और समझने में सरलता होगी कि व्हाट इज असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है कि सपोज मैं कार ड्राइविंग सीख रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी वाइफ है और एक ड्राइवर मुझे कार ड्राइविंग सिखा रहा, वो एक तरह से उस समय मेरे टीचर हैं और बाइगोत्स्की की अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर। मैं हूँ, मेरी वाइफ है, हम लोग कार चलाना सीख रहे हैं, मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, मैं स्टीयरिंग कैसे सही से मूव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जब ड्राइवर जब इसको ड्राइव करते हैं तो बिल्कुल जब पास पहुंच जाते हैं तब वो कर्व लेते हैं और मैं इतनी दूर से कर्व क्यों ले रहा हूं, अगली बार मैं पास जाके कर्व लूंगा। मैं जब गियर जब मैं चेंज करता हूं तो मेरा गियर जब मैं फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आता हूं तो थोड़ा फंस रहा है, अगली बार मैं कैसे एफर्ट करूं कि मेरा गियर स्मूथली चेंज हो, मेरा स्पीड क्लिच और जो ब्रेक है तीनों का कोऑर्डिनेशन मेरा सही नहीं हो रहा, मेरी वाइफ चला रही थी उसका कोऑर्डिनेशन मुझसे बेटर था, मैं कैसे करूं कि ये कोऑर्डिनेशन भी बेटर हो। ये जो सारे प्रश्न मैं अपने आप से कर रहा हूं ये सारे प्रश्न असेसमेंट एज लर्निंग है। कि असेसमेंट एज लर्निंग कि खुद स्टूडेंट अपने आप में इस सारी प्रोसेस के बारे में प्रश्न करे। इसमें पीयर असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और टीचर के सपोर्ट से लर्निंग के लिए असेसमेंट, दिस इज असेसमेंट एज लर्निंग। तो अभी तक हमने जो बात की असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, अब मैं जो 350 के अराउंड होने जा रहे हैं, मेरे पास 10 टू 15 मिनट्स हैं और एक बहुत बड़ा एक CCE का जो एस्पेक्ट है, जो एस्पेक्ट अमित लिख रहे हैं, नाइस एग्जाम्पल सर, ओके थैंक यू, एक बहुत बड़ा एक पक्ष है CCE का, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कि CCE की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इम्प्लीमेंटेशन में आती है। सभी लोग कहते हैं कि सर हम फिलॉसफी जानते हैं कि व्हाट इज CCE, लेकिन जब फील्ड में एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तब वहाँ प्रॉब्लम है। इसको हम कैसे सही से इम्प्लीमेंट करें साथियों, इसके लिए भी हमें प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन को समझना होगा। और यहाँ पर जो मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ ये मैं स्पेसिफिकली एलिमेंट्री लेवल पर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। और इसके लिए NCERT ने गाइडलाइंस डेवलप किए हैं जो सारे स्टेट्स को भेजे गए हैं, उनका फीडबैक है इसमें। और इसके साथ साथ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, उन सभी को उनकी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन के लिए ये गाइडलाइंस दिए गए कि CCE का इम्प्लीमेंटेशन कैसे। CCE को अगर हमें समझना है, CCE की साइकिल को समझना है, तो इसके बेसिकली 3 phases हैं। हम 3 phases में डिवाइड कर सकते हैं CCE की साइकिल को। सर तीनों की हिंदी बता दीजिए, ओके। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, SN यादव जी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम कहते हैं सीखने का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए आकलन, एंड असेसमेंट एज लर्निंग सीखने की तरह आकलन। ये तीनों की हिंदी है, ओके।
हम बात कर रहे थे साइकिल ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कैसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो। तो इसको तीन फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज इज प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। सेकेंड फेज इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट एंड थर्ड फेज इज रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। इन तीन फेज में पूरी सीसीई की साइकिल को हम ले सकते हैं। फर्स्ट फेज इज प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। यहाँ मैं फिर से एक बार आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सीसीई के इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, हम सभी सीसीई को केवल स्कीम ऑफ इवेल्युएशन समझते हैं कि सीसीई का मतलब इवेल्युएशन लगा हुआ है, ये एक स्कीम ऑफ इवेल्युएशन है। स्कीम ऑफ इवेल्युएशन में कितना कंटेंट आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ग्रेड दिया जाएगा या मार्क्स दिया जाएगा, पासिंग मार्क्स क्या होंगे। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट सीसीई। सीसीई को अगर हमें समझना है तो हमें टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट को, इन तीनों को एक साथ लेके समझना होगा। टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, दीज थ्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल अंतर संबंधित हैं। अगर जहाँ एक कड़ी गड़बड़ा गई, एक कड़ी में जहाँ कहीं समस्या आई, तो आगे वाली कड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, इन तीनों की हमें प्लानिंग करनी होगी। और कैसे प्लानिंग करेंगे, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके साथ इसलिए रख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे उदाहरण रखे हैं जिससे कि विषय बड़ी सरलता से हमारे शिक्षकों के, बहुत सारे मेरे साथी जो मेरे स्कूल में टीचर्स हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मेरे साथ उनका मेरे से कहना था कि इस भाषा में हमारे साथ बात करिए कि ये हमारी समझ में आए। तो साथियों, मैं उसी लिए बार बार मैं इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे पिछले दिनों में इस लॉकडाउन से पहले निष्ठा ट्रेनिंग, जो एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, इस ट्रेनिंग के अंतर्गत लगभग 9 या 10 प्रांतों में जाने का मौका मिला और वहाँ शिक्षकों के साथ संवाद करने का एक बहुत आनंददायक अपॉर्चुनिटी मुझे प्राप्त हुई। और जब मैं उस ट्रेनिंग में, अपने सत्र में, हर जगह मैंने एक प्रश्न अपने शिक्षकों से पूछा। मैंने कहा, साथियों मुझे आप बताइए कि जब हम बीएड या डीएड करते हैं, उस समय के अलावा कभी हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर क्लास में कभी डिस्कशन किया? यही प्रश्न मैं आप सभी के समक्ष भी रखता हूँ। केवल ऑब्जेक्टिव्स किताबों के में लिखने के लिए या केवल बीएड डीएड में लिखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए हैं क्या? जब हम क्लास में जाते हैं, कभी, जब मैं आप, हम टीचर्स कह रहा हूँ तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, कोई अपने ऊपर पर्सनली इसको मत लीजिएगा प्लीज़, कि हम क्लास में जाने से पहले कभी सोचते हैं कि मैं एक घंटे बोलूँगा, उससे क्या होगा, क्या उससे क्या कॉम्पिटेंसीज डेवलप होंगी? हमारे टीचर्स जब क्लास में जाएं तो उससे पहले क्या सोचते हैं कि इस क्लास में 30-35 मिनट्स में मैं क्लास में जो एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ मैं करूँगा, बच्चों के साथ जो मैं कंटेंट डील करूँगा, उस कंटेंट को डील करने से होगा क्या, बच्चों में, बच्चे क्या सीखेंगे? इसी तरह बच्चे भी नहीं कभी सोचते कि इसको पढ़ने से होगा क्या, हमारे अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या वो चेंजेस आए? और जब तक इस पर विचार नहीं होगा, तब तक जो हम केवल कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की हम बात करें, तो वही चैप्टर टीचर कैसे, टीचर या स्टूडेंट कैसे हमारी कक्षाएं चलती हैं कि टीचर ने किताब सामने रखी है, बच्चे पढ़ रहे हैं या टीचर पढ़ रहे हैं विज्ञान तक की कक्षाओं में, और जहां एक लाइन टीचर को लगती है कि उसको 2 या 3 बार रिपीट करनी चाहिए तो उसे वो रिपीट करेगा, कठिन शब्द है तो उसका अर्थ बताएगा, वरना इसी तरह से हमारी कक्षाएं चलती हैं। साथियों, इस तरह से टीचिंग और लर्निंग होगी तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के लिए हमारी कक्षाओं को, जो कंस्ट्रक्टिविज्म की बेसिक फिलॉसफी है, उसको किसी न किसी हद तक लाना होगा।
और मैं बहुत डिटेल में कंस्ट्रक्टिविज्म पर नहीं जाता, बस एक बात मैं कहता हूँ कि सभी साथियों को बस ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्ञान का सृजन कैसे होता है, कि व्हेन लर्नर विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ही और सी विल कंस्ट्रक्ट हिज और हर ऑन नॉलेज, कि जब सीखने वाला सक्रिय होकर सीखने की प्रक्रिया में भागीदार होगा वो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करेगा। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरह की कक्षाओं में हर विद्यार्थी को सीखने का मौका प्रदान करे, कि वो अपनी पेस से अपनी स्पीड से वो सीखे, एक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्लास का हो कि बिना भय के बच्चा डिस्कस करे, उसको जिस तरह का उसके मन में जो प्रश्न हैं जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं की संतुष्टि हो, और इस तरह से एक टीचर एक क्लासरूम का एक इन्वायरमेंट तैयार करें। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो प्लानिंग टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट की कर रहे हैं कि टीचर कैसे प्लान करें। बिल्कुल समय हो गया है और मैं बस 10 मिनट में इस बहुत बड़ी बात को, अगला अगर मौका मिलेगा तो इस पर पूरा एक सत्र अगला मैं लूँगा, लेकिन अभी कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो मैं इस पर बात करता हूँ कि कि टीचर कैसे प्लानिंग करे। हमारी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हैं या जो स्टेट की टेक्स्ट बुक्स हैं, ये सब टेक्स्ट बुक्स या तो थीम वाइज हैं, चैप्टर वाइज हैं, लेसन वाइज हैं। तो टीचर एक लेसन वाइज, थीम वाइज, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करे, और कैसे प्रिपरेशन करे, कैसे प्लानिंग करे कि जो टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट हैं उसको ध्यान में रखे, बिल्कुल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करे, क्या टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी रहेगी वो टीचर डिसाइड करे, उसकी प्लानिंग करे, और किस तरह से असेसमेंट होगा उसकी प्लानिंग करे, और इसकी प्लानिंग करने के बाद ये कैसे प्लानिंग करे, इन सब के रेफरेंस में होने चाहिए हमारे लर्निंग आउटकम्स। एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम्स डेवलप किए हैं आप देखेंगे, और ये सारी इंडिया की लगभग सभी लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स बेसिकली रेफरेंस पॉइंट हैं, जिन रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पर प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर, लेवल ऑफ द लर्निंग वो हम देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज हैं और सब्जेक्ट वाइज हैं कि सपोज क्लास थर्ड EVS क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे अगर क्लास थर्ड का बच्चा उस EVS की टेक्स्ट बुक को, उस EVS का जो करिकुलम है उसको कंप्लीट करता है, तो कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर डेवलप होंगी, ये डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल NCERT की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टीचर को इस तरह से तैयारी करनी होगी, और असेसमेंट के लिए जहाँ तक बात है एक बहुत अच्छा टूल है रूब्रिक्स, कि हमारे टीचर रूब्रिक्स तैयार कर सकते हैं। और रूब्रिक्स बेसिकली क्या है कि रूब्रिक्स में सेट ऑफ क्राइटेरिया है कि अगर हम जो टास्क है या जो भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनके बेसिस पर हम असेसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मुझे कार ड्राइविंग सीखनी थी तो उसके कौन कौन से पैरामीटर थे, कि कैसे मैं गियर को चेंज करता हूँ, कैसे जो क्लिच है, स्पीड है, ब्रेक है, इनका कोऑर्डिनेशन है, स्टीयरिंग का मूवमेंट है, तो ये कुछ क्राइटेरिया थे। इन क्राइटेरिया के साथ में एक रेटिंग स्केल है जिसके अंदर डिस्क्रिप्टर्स हैं, जैसे कि जो मेरा स्टीयरिंग का मूवमेंट है वो बहुत अच्छा है, बिना किसी प्रॉब्लम के मैं बहुत अच्छा स्टीयरिंग मूव कर रहा हूँ, एक लेवल ये हो सकता है, मुझे थोड़े सपोर्ट और फीडबैक की ज़रूरत है, एक दूसरा लेवल ये हो सकता है, और तीसरा कि अभी मुझे बिल बहुत ज़्यादा अभी हेल्प की ज़रूरत है मुझे स्टीयरिंग मूवमेंट का। तो ये क्राइटेरिया थे और ये बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। इस तरह की रूब्रिक्स टीचर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से टीचर फ्रेम कर सकते हैं और क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। तो टीचर इस तरह से प्लानिंग करे टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट की, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, और जो तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टाइम ओवर हो गया है लेकिन विद इन 2 or 3 minutes मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टीचर्स को यही है। टीचर कहते हैं बहुत अच्छा है लेकिन रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग कैसे हो,
तो साथियों रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए टीचर ने जब जो यूनिट प्लानिंग की है उसका इम्प्लीमेंटेशन वो उसी अकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसी ड्यूरेशन में वो लगातार बच्चों को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्वियस है सभी टीचर्स करते हैं, उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर को लगता है जब उसे लगे कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज उसे बच्चे के अंदर दिखाई दे रहा है, या उसे कोई ऐसा एक एस्पेक्ट या डायमेंशन उसे लगता है कि जहां रिव्यू और रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, तो टीचर अपनी डायरी पर, अपनी नोटबुक पर, या जिसे हम लॉग बुक कहते हैं कि हर टीचर के पास अपनी एक लॉग बुक होनी चाहिए, उस लॉग बुक में टीचर उसको लिखे। किस तरह से लिखेगा ये टीचर के ऊपर है, इट्स अप टू द टीचर। और हर स्टूडेंट का इस लॉग बुक में आप स्पेस अपना उस जितना 4 या 5 पेज ये रजिस्टर हो सकता है, डायरी हो सकती है, नोटबुक हो सकता है, इसमें हर स्टूडेंट के लिए वो कुछ स्पेस आप रख सकते हैं कि जहाँ टीचर को लगे कि ये एक ऐसा पहलू है इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, टीचर उस पर उसे रिकॉर्ड कर ले। और इस तरह जब उसका पूरा एक जब थीम कंप्लीट हो जाए, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनके रेफरेंस में बच्चे ने क्या सीखा, उसका लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, वहाँ पर वो उसका असेसमेंट करे। जहाँ तक कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस की बात आती है तो हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो डेवलप किया जाना चाहिए। पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है, ये कोई भी बैग हो सकता है, कोई भी फोल्डर हो सकता है, जिस फोल्डर में बच्चे की जो डे टू डे वर्कशीट्स हैं, उसने जो क्रिएटिव राइटिंग है, उसने जो ड्राइंग की है, उसके बारे में किसी उसके पीयर के जो कमेंट्स हैं, या टीचर ने जो इवेलुएशन टीचर ने किया, या टीचर ने कोई टेस्ट लिया, तो जो बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं, इन सभी एविडेंसेस को हर बच्चे के पोर्टफोलियो में टीचर रखता चले। तो बहुत सरल काम है, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको, और बहुत सारे टीचर्स हमारे बहुत अच्छी तरह करते हैं। तो टीचर लगातार इस तरह से बच्चे का आप देखेंगे कि जब वो असेसमेंट करेगा इन सारे एविडेंसेस के बेसिस पर, दिस इज़ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएसन। और इसकी रिपोर्टिंग कैसे हो, तो रिपोर्ट कार्ड भी आप सिंपल सा फॉर्मेट एनसीईआरटी ने डेवलप किया हुआ है, वो आप चाहें तो आपको एनसीईआरटी के जो वेबसाइट पर भी आपको मिल सकता है, और गाइडलाइंस में भी पीछे जो एनसीईआरटी की गाइडलाइंस हैं उसमें दिया हुआ है कि बच्चे की पहले फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है। रिपोर्टिंग क्वार्टरली की जा सकती है, हाफ ईयरली की जा सकती है, इट्स अप टू द स्कूल कि स्कूल कैसे डिसाइड करता है, उसके बेसिस पर रिपोर्टिंग की जा सकती है। और उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका बाकी जो पर्सनल सोशल क्वालिटीज़, एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ को पहले से कोई डिसाइडेड जो स्केल है उस स्केल पर मेज़र नहीं किया जाना चाहिए। इनको टीचर को डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में लिखना चाहिए, जैसे कि कोई एक बच्चा है और टीचर को लगता है कि टीचर जैसे ही क्लासरूम में इंटर करता है, टीचर को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो टीचर को सपोर्ट करता है, टीचर अगर उससे कोई बात कहता है तो वो उसको फॉलो करता है, और अपने बच्चों को भी इंस्ट्रक्ट करता है टीचर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो टीचर लिख सकता है कि उस बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। तो इस तरह से हर बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा सकता है, और रिपोर्ट कार्ड जो फीडबैक है पेरेंट्स को और स्टूडेंट को, बहुत पॉजिटिव वे में इस तरह से फीडबैक दिया जा सकता है। बहुत लंबा समय निकला है, मुझे लगता है ओवर हो गया है समय। सोमून सिंह सर, आप जैसा कहें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन ले सकता हूं, नहीं तो अगली बार जब मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाऊँगा। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और आपको जब भी इस विषय पर आपको लगता है कि कोई भी बात आपको मुझसे करनी है, आप बात कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर बात कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं कर पाया, टाइम बहुत ओवर है, मैं बहुत लेट हुआ हूँ,
आपके जो क्वेश्चंस हैं आप मुझे मेल करेंगे। सर जी आकलन की बुक, एसएन यादव जी कह रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एनसीईआरटी ने बहुत सारे एग्जाम्पलर्स इसके लिए डेवलप किए हैं, आप उन एग्जाम्पलर्स को आप देख सकते हैं। ये सीसी गाइडलाइंस हैं, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये आप कवर पेज देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, और ये रीसेंट डॉक्यूमेंट है, 2019 में डेवलप किया है, सभी स्टेट्स के साथ इसको शेयर किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके बेसिस पर सीसी को इफेक्टिव वे में, क्योंकि सीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत सारे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के सामने चैलेंजेस हैं उनको सही से डील करने में हमारी हेल्प कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।